नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विभाग और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिन्हा। चलिए हम एक नजर डालते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी खबरें सामने आई हैं। जबलपुर से खबर सामने आ रही है कि कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर आबकारी विभाग की दबिश। जी हां, जमीन के अंदर 2500 किलो महुआ बरामद किया गया है। आरोपियों की तलाश में आबकारी विभाग जुटी हुई है, तो वहीं बरगी थाना क्षेत्र के खिरहनी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। साइकिल सवार को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए कार लेकर गई। कार चालक और कार को पुलिस ने पकड़ा। तो वहीं पोरसा थाना क्षेत्र के सुमेर सागर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। रीवा से खबर सामने आ रही है कि 6 महीने और 2 साल के 2 मासूम को बंधक बनाया गया। रेलवे में पदस्थ कर्मचारियों ने बंधक बनाया। बच्चे के पिता से पैसों के लेन देन को लेकर इसे बंधक बनाया गया था। बता दें कि पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारी के बच्चे थे ये। दोनों बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। तो वहीं चोरहटा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इंदौर से खबर सामने आ रही है कि सीएम मोहन यादव का अंतरिम बजट 2024 को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट तैयार भारत वर्ष के विकास के मद्देनजर को रखते हुए किया गया है। इस बार का बजट मध्य प्रदेश के लिए विकास लेकर आया है। वो आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की और इच्छा की उड़ान की बजट है ये। वो बताएं कि मुख्य तौर पर एविएशन, गरीबों के मकान, लाडली लाखपति दीदी योजनाओं पर कार्यरत ये सरकार रहेगी। किसानों को ध्यान रखते हुए इरिगेशन के लिए भी काम इस बार सरकार करेगी। वो आगे कहते हैं कि नदी जोड़ो अभियान के लिए बड़ा बजट पास हुआ है, उसका पूर्णतः उपयोग करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मुरैना से खबर सामने आ रही है कि ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम किया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जौरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। छतरपुर से भी खबर सामने आ रही है कि आर्मी कैंटीन की तर्ज पर पुलिस वालों के लिए भी कैंटीन होगी। अब सब्सिडी मूल्य पर राशन मिलेगा और अन्य सामान भी। बता दें कि DIG ललित शाक्यवाड़ ने शुभारंभ किया, तो वहीं कैंटीन में जिले के पुलिसकर्मी खरीदारी कर पाएंगे। भोपाल से खबर सामने आ रही है कि अपने ही माता पिता को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा पैसे ऐंठने वाली निधि सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो वहीं साथी आरोपी अल्ताफ अभी भी फरार है। 29 जनवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो वहीं 1 दिन की रिमांड के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। हबीबगंज थाना क्षेत्र अरेरा कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सी बड़ी खबरें सामने आ रही थी, जिसको हमने आपको इस वीडियो में बताया। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप क्या कहेंगे इस वीडियो पर।